बिहार के अररिया जिले में पत्रकार की हत्या के बाद राजनीति गर्म हो गई है। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। इसी कड़ी में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। तो यह है, यह दुखद है, हमें अफसोस है कि हमने एक पत्रकार खोया है। 2019 में इनके भाई की हत्या हुई थी, भाजपा सत्ता में थी। अगर एक गुत्थी सुलझ गई होती तो हमें लगता है कि यहाँ तक मामला नहीं आता। जिस तरह से हत्या अपराधियों ने की है, इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग घर में जाता है, नॉक करता है, नाम लेके हकाता है, बाहर निकलता है और एक गोली सीने में लगता है और चल देता है, मर जाते हैं। हर पहलुओं की जांच शासन कर रही है, कुछ लोग को पकड़ करके लाई है। जल्द काबू में अपराधी आएंगे, अपराधी बक्से नहीं जाएंगे और पूरे उस नेक्सस को खंगाला जाएगा। अररिया के रानीगंज के पत्रकार विमल कुमार यादव की आज सुबह बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज देकर बाहर बुलाया और जैसे ही वह घर से बाहर आए, बदमाशों ने गोली मारकर पत्रकार की हत्या कर दी। घटना रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा के हीरो शोरूम के पीछे स्थित घर का है। इससे 2 साल पहले इनके सरपंच भाई किसी तरह बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसमें वह मुख्य गवाह था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुख्य गवाह होने के कारण बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी है। बदमाशों द्वारा कई बार गवाही नहीं देने से उन्हें रोका भी गया था। बावजूद इसके कोर्ट में चल रहे ट्रायल के दौरान इन्होंने अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल लाया गया है और विमल कुमार यादव अपने पीछे एक बेटा और बेटी और पत्नी को छोड़ गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए कहा है कि यह काफी दुखद घटना है और मामले की जांच जारी है। दुखी बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। तो देख रहा है बिहार में सूखा की स्थिति बन रही है, बारिश नहीं होने से किसान पर अभी देखिए ऐसा नहीं है। हम तो कल भी तरह था, हम देख भी लेंगे, जहाँ जहाँ भी 80% से कम है उसको भी देख लेंगे, लेकिन अभी तो हो ही रहा, बढ़ ही गया। अब तो आप समझ रहे हैं कि हो गया है, 90% के ऊपर तक हो गया है। नहीं तो देखेंगे एक बार रियली, हम ऊपर जा करके एक एक चीजवा को, इधर जो कम है ना 5 जिला में, तो उसको भी हम देखने वाले हैं, तो हम कल ही देख लेंगे पूरा। हम कह दिए हैं आज ही, तो लोग तैयारी कर रहे हैं, कल एरियल सर्वे में निकलेंगे सर, कल एरियल सर्वे में निकलेंगे, इसी से पूरा जा करके ले करके फिर लौट आएंगे। गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर शहर से 50 किलोमीटर दूर एक मंच पर सभी दलों के नेता एक साथ देखे गए। सभी ने मांझी की महिमा का गुणगान किया। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री इमामगंज विधायक हम के संस्थापक जीतन राम मांझी, भाजपा के नगर विधायक प्रेम कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। 2000 से जो 7 में मृत्यु हुआ, तो हम उसी के बात पर आज लोग चल रहे हैं, तो उसी वजह से कहीं तो देखिए हमारा जल्दी शामिल किया जाए। 17 अगस्त को 3 तिथि हमारे पिताजी के धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जो जितना विधायक है सब माला अर्पण करेंगे, ऐसा काम। झरिया के बंद पोखरिया में नहाने के दौरान युवक के डूबने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना के बाद भाजपा नेत्री रागिनी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची हैं। जानकारी के मुताबिक युवक अपने 4 साथियों के साथ बंद पोखरिया में नहाने गया था, जहां उसके डूबने की खबर सामने आई है। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का बेखौफ रूप देखने को मिला है। जिस तरीके से अररिया में पत्रकार की हत्या हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत भी गर्म है और अब इस मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय की ओर से भी बयान सामने आ गया है। जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच खुद अररिया एसपी कर रहे हैं, वो मौके पर गए हैं, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है, वैज्ञानिक रूप से
पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ईडीजी इस बात को भी गंभीरता से लेते हुए कह रहे हैं कि चूंकि विमल यादव अपने छोटे भाई गब्बू यादव हत्याकांड का मुख्य गवाह भी था और अब तक उसकी गवाही होनी बाकी थी, ऐसे में अपराधियों द्वारा उसकी हत्या कर देना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सभी सवालों का जवाब इस हत्याकांड के अनुसंधान के दौरान अररिया पुलिस ढूंढेगी और कार्रवाई करेगी। पूरे मामले की तहकीकात अपराध कर्मियों की। आपने जो सूचना दी है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने जो सूचना दी है उस पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देश दिया जा रहा है। और जहां तक बात है, उनके परिजनों ने स्वयं बताया है कि पुराने मर्डर केस में गवाही चल रही थी और गवाही इनकी नहीं हुई थी। ये बहुत ही गंभीर मामला प्रकाश में आया है कि जिस व्यक्ति की गवाही होनी है और संभवतः उसमें पुलिस के चार्जशीट में इतने ज़्यादा सच उपलब्ध थे कि उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी गवाही देने से उनको मुकदमे में उनको असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पुलिस उस डायरेक्शन में कार्रवाई कर रही है और आगे जैसा मैंने आपको बताया है, अब मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। एसपी खुद घटनास्थल पर गए हैं तो इस पूरे मामले की तहकीकात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे और इस पर हम लोग लगातार। बोकारो जिले में 5वीं जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह जानकारी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोकारो जूडो एसोसिएशन के फादर रेडी वी वर्गिस ने दी। यह प्रतियोगिता सेक्टर 5 स्थित बोकारो क्लब में आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 4 कैटेगरी में किया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य किड्स बच्चों को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर और सभी स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, जिसमें सब जूनियर कैडेट और सीनियर कैडेट के अलावा तीसरा प्रतिभागी भी भाग लेंगे। सफल प्रतिभागियों के बीच स्कॉलरशिप का भी वितरण किया जाएगा। जो किड्स बच्चों को 4000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, अन्य विजेता प्रतिभागियों को 5000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल लेके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ से कई ओलंपियंस हॉकी में और अन्य गेमों में तीरंदाजी में सब आए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में के जितने कैटेगरी सब जूनियर जूनियर कैडेट और सीनियर, ये 4 कैटेगरी में ये पूरी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक और जो अनऑफिशियल एक वेट कैटेगरी है किड्स का, जो बिलो 12 है, इसको हम लोगों ने ऐड किया है छोटे बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने उनको भी स्कॉलरशिप देने का यहाँ पे प्रावधान किया हुआ है। तो उसमें पूरे प्रतियोगिता के दौरान 12 ऐसे बच्चे होंगे जो चुने जाएंगे, जिनमें किड्स को आपको 3000 करके ईच उनको मिलना है, उनको जिसमें 4 बच्चे होंगे। और जो बाकी जो कैडेट हैं, सब जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनको 5000 करके उनको उन बच्चों को जो बेस्ट फाइटर होंगे वो उनको स्कॉलरशिप एज ए। अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने वाली है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे। उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई
थानेदार की हत्या शुरू हो गई और वो तो गवाह भी थे, उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट Complete Solution Institute.